Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. हमारा लड़का टाइल्स का काम करता है, वो कहाँ है? तो बोली कि मेरा लड़का नाती टाइल्स का काम करता है, पल्ले घर पे है। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया, तो बोले क्या काम है आपको? तो कि मेरा काम तो हो गया, टाइल मेरे घर में तो लग गई, ये मेरा दोस्त टाइल लग गई। मम्मी से भी मम्मी बेधड़क होकर बोल दी पल्ले घर पे है। वो इस घर पे आए, दो जनी थे या तीन जनी थे, आकर उससे अल्ताफ को देखा यहाँ बैठा हुआ, उसके बाद में देखकर चले गए। जाने के बाद में उन्हें पुलिस वालों को लेकर आए और आप अल्ताफ को लेके चले। आफ्ताब भी कहते थे, दिल्ली हमारे पास रहता, आफ्ताब के नाम से कहीं रहता था। यहाँ पर अल्ताफ बचपन से ही रखा गया, वो प्यार में आफ्ताब कर दिया था। तो उसको यहाँ से आए और आने के बाद में उसको हाथ पकड़ा और लड़की के आरोप में कह तुम्हारे घर में लड़की है, तो पूरा घर भी दिखाया है। और वो लड़के को लेकर पुलिस वाला और उस लड़की का बाप और उसका भाई, ये तीनों जनी अल्ताफ को लेकर चले गए। उनके पीछे पीछे हमारी अम्मी, भैया, भाभी, ये लोग गए। उसके बाद में ये हुआ, वहाँ चौक थाने पहुँचे तो वहाँ से अम्मी ये सब लोग भगा दिए गए, आफ्ताब से मिलने नहीं दिया गया। अब्बू जब वहाँ से नहीं मिलने दिए, घर पे आ गए। फिर इंद्र प्रधान जी से सब बात कर गुरु के कोशिश करें जाने की, तो बोले सुबह तक पूछ पाछ करके हम छोड़ देंगे। तो इसी आस में जो लोग रहे कि पूछ पाछ करेंगे छोड़ देंगे, बच्चे को कोई गलत थोड़ी करने की सोचा था। जब क्या कहते, जो रखवाली डोली का रखवाली है वही चोर बन जाए तो भरोसा किस पे करेगा? सही बात, गलत तो नहीं बोला? बेशक सही कह रही। डोली का रखवाली वही लुटेरा बन जाए तो किस पे भरोसा किया जाए? बिल्कुल सही बात। तो इस चक्कर में भरोसे के साथ इन्हें कह दिया पूछ पाछ करके कल सुबह छोड़ देंगे, हमने छोड़ा सुबह छोड़ देंगे। तो सुबह फिर गए होंगे जो लोग, तो फिर उनको मिलने दिया ना मिलने दिया ये मुझको पता नहीं। नहीं, अच्छा उसके बाद में जब क्या कहते हैं शाम की टाइम में खबर आई है, 5-6 के बीच में आई था, 5-6 के बीच में खबर जब आई है तो ये आई है कि अल्ताफ ने फांसी अपने आप से लगा के खत्म हो गया। मैं तो ही दिल्ली, जैसी सुनी मेरे एकदम से वो सामने घुड़ गए। वहां से मैंने कि ऐसा तो मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा तो मेरे पास रहता था। तो माँ से अभी 3 महीने पहले मेरे पास से आया, वही रहता मेरे पास ही, यहाँ नहीं रहता था। तो इस चक्कर में वहां से जब मैंने सुना तब मेरे घर वाले सारे घबरा गए। फिर हम लोग वहां से आए तो मैंने इनसे फोन पे बात नहीं हो पाई इनसे, तो जिससे बात हुई उनसे मैंने ये कहा अगर मेरा आफ्ताब ठीक है हॉस्पिटल में है तो अभी और नहीं हॉस्पिटल में साइन मत कर। मैंने इनसे कहलवाने की कोशिश की तो इनके फोन पे मेरी बात हो नहीं पाई। मैं वहां से जब आते आते मुझे यहाँ पे 3:30-4 बज गए, तो मुझे मिट्टी यहाँ पर रखी मिली। और इन लोगों को ना ही तो जब फांसी लगाई जब मिलने दिया, उसमें जब फांसी लगाते हैं कोई भी शख्स जाता, पुलिस वाले भी जाते हैं, तो उसकी जब मिट्टी उतारते हैं तो उसका फोटो भी खींचते हैं, देखते हैं क्या चीजें क्या, कोई सूचना नहीं दी नहीं ले गए। जब तक ये बताया कि तुम्हारा लड़का परेशान है या तुम्हारा लड़का बीमार है, कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनको हंसने लगा। जिंदा लेके गए, मुर्दा इनको पकड़ाया, और उसके साथ में क्या किया क्या नहीं किया ये अंदर वाले जाने बाहर वाले क्या करते। जब हमको मिलने नहीं दोगे और देखने नहीं दोगे तो क्या पता क्या होगा। तो क्या मांगे सरकार से? हमें चाहिए इंसाफ, हम मांग रहे हैं इंसाफ, और वो जांच होती है सीबीआई जांच के, तो क्या वो चाहिए, और हमें चाहिए इंसाफ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.